हमारा भारतवर्ष चिरंतन अध्यात्म की संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ के इंसान अध्यात्म के बल पर नर से नारायणत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ का दर्शन इंसान को जीवन मुक्त बनाता है और यहाँ के लोग संसार के आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों तापों से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, इसे आर्ष संस्कृति भी कहते हैं। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने वेद में व्याख्या की, पौराणिक ग्रंथ बनाए, आरण्य ग्रंथ बनाए, ब्रह्मसूत्र बनाए, भगवान ने गीता पे प्रवचन दिए और उसके अतिरिक्त भगवान वेद व्यास ने जीवन दर्शन को श्रीमद् भागवत के अंदर इस प्रकार समाहित कर दिया है कि हम समग्रतया श्रीमद् भागवत का अध्ययन यदि कलयुग में कर सकते हैं तो हमारे अंदर जीने की संपूर्ण कला आ जाती है। जीवन का दर्शन, धर्म का महत्व, राजनीति की प्रेरणा और जीवन का पड़ाव अध्यात्म के चरम शिखर को पहुंचाता है। श्रीमद् भागवत संसार से तपे हुए लोगों को इस प्रकार मुक्त करता है, जैसे आप कर्दम ऋषि की कथा पे थोड़ा सा प्रकाश देखिए। कर्दम ऋषि तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान आके उनको वरदान देते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आज आपने यहाँ दर्शन देकर के हमें कृतार्थ नहीं किया, परम कृतार्थ किया और हमारे जीवन को सफल बनाया, तो भगवान आदेश करते हैं वत्स वर मांगो। वर क्या मांगना, जिसने त्रिलोकी के स्वामी को पा लिया है, जो आँखों से अनंत भगवान का दर्शन किया है, फिर माया मोहित संसार में और क्या हो सकता है। बुद्धि भी जब तपोपुत बुद्धि होती है तो अनर्थ के तरफ नहीं जाती। भगवान को पुत्र रूप में उन्होंने मांगा और उसी वरदान को तथास्तु करके भगवान कपिल देव कर्दम ऋषि के घर में आते हैं और माता देवहूति को उपदेश देते हैं। कहते हैं, माता मदभयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति मदभयाद वर्ष तिंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मदभयाद। माँ ये सुनो, अयम वातः मदभयाद वाति, ये जो वायु है ये मेरे डर के कारण से बहता है। भगवान के डर के कारण से पवन देवता निरंतर चलते हैं। सूर्यस्तपति मदभयाद, सूर्य को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो दिन भर पृथ्वी का चक्कर काटे या पृथ्वी सूर्य के आगे घूमे। भगवान के डर के कारण से निरंतर कर्म की प्रवाहमान गति को वो जारी रखते हैं। वर्ष तिंद्रो दहत्यग्नि, इंद्र देवता भगवान के डर के कारण वर्षा करते हैं और पृथ्वी में अन्न होता है जो हमारे जिसमें प्राण बसते हैं। और उसी प्रकार अग्नि, अग्नि में दाहकता न होती यदि भगवान का डर नहीं होता तो। मृत्युश्चरति मदभयात्, संसार में कोई मरता नहीं, क्योंकि अनंत भगवान की ये जो संतान है, भगवान अनादि अनंत है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, संसार में किसी की मृत्यु नहीं होती। भगवान के डर के कारण से एक अवधि कर्म भूमि में एक अवधि रखी गई कि आपने इतने दिन ही यहाँ रहना। जिस प्रकार से अभी इस सिंहस्थ में दूर दूर से संत लोग आए हैं, अपने अपने स्नान करके, मुख्य मुख्य स्नान करके अपने अपने स्थान को लौटते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है। अजर अमर इसीलिए है
कि वो अणु से भी छोटा है और बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। अग्नि उस चीज को जलाती है जो बड़ा होता है, राख करने के बाद में राख को अग्नि नहीं जलाती। ऐसे बड़े बड़े पत्थर को जल जो बहा करके ले जाता है, लेकिन जब रेता बन जाता है तो उसको वहीं छोड़ के आगे बहता निकलता है। ठीक उसी प्रकार के आत्मा की छोटी और बड़ी गति होने के कारण से आत्मा न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न ही मारा जा सकता है। ये अविनाशी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके जिस प्रकार से चलता है, ऐसे संसार की दुनिया होती। परंतु भगवान की व्यवस्था इस प्रकार से है, संसार के जीव मात्र, जितने जीव इस संसार में व्याप्त हैं, उन सब जीव को सूर्य देवता बराबर किरणें देता है, पवन बराबर श्वास देता है, अग्नि बराबर दाहकता देती है और इंद्र भी बराबर सबको वर्षा देता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से भागवत का दर्शन है, हमें भी भगवान की इसी व्यवस्था के अनुरूप सबके साथ सद्व्यवहार करके चलने से भागवत का जीवन दर्शन होता, जो आपके सामाजिक व्यवस्था में आपके व्यवहार के स्वरूप को बना करके परमात्मा से मिलन कराता है। ये भागवत का जीवन दर्शन है। जिस प्रकार प्रकृति की ये सभी चीज़ें परमात्मा की सृष्टि के, सूर्य अग्नि जल वायु मृत्यु, जिस प्रकार से हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से संसारिक जीव को सभी प्राणियों के प्रति एक जैसा व्यवहार करने से न तो कहीं किसी प्रकार का वैमनस्य होगा, न किसी से मन मुटाव होगा, न आपका मन खराब होगा, न आपको अशांति होगी, न ही आप किसी प्रकार से भय से ग्रसित होंगे। यहाँ तक कि हमारे अशुभ कर्मों के कारण से पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण गच्छति, हमारे इस शरीर में जितने प्रकार के रोग भी आते हैं वो रोग हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से प्राप्त होते हैं। तो भागवत का जो जीवन दर्शन है वो हमें सौम्य कर्म, व्यवहारिकता और समानता बनाए रखने का संदेश देता है। ये श्रीमद् भागवत का जीवन दर्शन है।